ये वाले रोड में, ये वाले रोड में बोल रही है मेरी दीदी की यहाँ से यानी हॉरर भूत चुड़ैल कोई भी रहता था बोलते, और इसके वजह से है। अच्छा है यहाँ पे भूत चुड़ैल वगैरह यहाँ पे है भाई। कौन गाड़ी वाड़ी, यहाँ के भी नज़ारे देखो, बहुत ही मस्त नज़ारे है सभी तरफ में, सभी लोग रुक ऐसा लो। रात में भी लग गया पुणे में ट्रैफिक हो गया जाम, अभी क्या करेंगे। गाइस हमारी मटन थाली आ गई यार, देखो इसका जो टेक्सचर है ना भाई मटन का, बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, और उसके साथ में ग्रेवी। तो गाइस हेलो गाइस, तो अभी नेक्स्ट व्लॉग शुरू कर रहे हैं यहाँ से अपन, श्रीवर्धन बीच टू पुणे वाला। लेकिन ये ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि लंबे लंबे ब्लॉग बना के कोई मतलब नहीं, टुकड़े टुकड़े में ब्लॉग बना रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी, लंबे लंबे ब्लॉग बनाएंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली निकल रहे पुणे की तरफ में। अभी पुणे कितना है, क्या है, कैसा है, सब मैप गूगल मैप लगने के बाद ही हम लोग आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। और भाई जिसको भी इंटरेस्ट है ना भाई घूमने का, तो बिंदास घूमने के लिए निकलो। धूप बारिश ठंडी मत देखो, हम तो भाई टेम्परेचर में भी घूम रहे क्योंकि यार जिसको घूमने का शौक रहता ना वो टेंशन नहीं लेता, बिंदास घूमता है। सो घूमो फिरो, ऐश करो, मजे मारो। हम अभी श्रीवर्धन बीच टू पुणे के लिए हम लोग निकल रहे हैं और आपको डायरेक्टली हाईवे में मिलते हैं। कार में बैठने के बाद में जो भी नज़ारे आपको दिखाते हैं अच्छे से। चलो फिर मिलते हैं आगे में। चलो गाइस निकल के रिवर्स में कार लेके आगे में निकल रहे हैं अभी हम श्रीवर्धन बीच टू पुणे के लिए। मैप लगा देते जी, है ना, हमारा प्लानिंग निकल चुका है। कैसा लग रहा है जीजू, थक के पूरा एग्जॉस्ट होके देखो पसीने से लथपथ जीजू, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, ठीक है ना। पर मजा आ गया, जिंदगी भर याद रहेंगे इसी, यानी कि इतनी मेहनत कर रहे हैं घूम के, ट्रैवलिंग कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, है कि नहीं। बहुत ही प्यारी मस्जिद है सीरियसली, वाह। अभी चलने दो सीधा, अब निकाला बराबर आ गया गूगल राइट, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी आगे निकल रहे। ऑटो देखो कितना मस्त सजा के रखा होगा, हाँ लगाया ना बिना लॉक लगा, नहीं पूरा नहीं हुआ जीजू। और एक मस्जिद सीधा निकलते हुए, अरे वाह भाई मार्केट में ऐसे निकालती हुए, गूगल माता की जय हो, जय गूगल माता। आगे से राइट बोल रहा है अपन, यहीं से आए थे, हाँ वो सीधा गए थे पलट, यहीं से आए थे। ए भाई ये कहाँ है, ए बेटा शानदार यार, घर वर देखो ना यार, घर वर भी देखो, अभी देखने नहीं मिलेगा तो घर वर देखो, क्योंकि आप लोग जो पब्लिक आ नहीं सकती इधर में घूमने के लिए श्रीवर्धन बीच के तरफ में, वो लोग घर वर भी देखो, रस्ते भी देखो, मजे करो यार। वो फेरी ने इधर ला दिया, मतलब वो डिस्टेंस उससे भी कम हुआ। किसका? बराबर है ना, बराबर है, बराबर है सब। झाड़ को क्यों काटते ये लोग मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझा के परेशान हो गया, झाड़ मत काटो। अच्छा पुलिस चौकी देखो कितनी शानदार है, अरे भगवान मेरी अर्जी क्या कर रही रे बाबा, बैठी है, बैठो बेटा, रुक रे बेटा, रुक जा, घाई मत कर, बहुत घाई कर रही है यहाँ पे। समुन्द्र के पानी की वजह से बेचारे बहुत से लोग गंजे हो गए, हो सकता है यार नमकीन मोटर की वजह से ये दरवाजा देखो, गेट प्रवेश द्वार, हम बाहर निकल रहे हैं, एग्जिट हो रहे अभी। देखो यार, देखो नजारे देखो, इतना बेहतरीन होटल कौन दिखाएगा यार इतने पास से, जो लोगों को आना नहीं जमता ये देख लो यार, मजे करो, एक्सप्लोर करा रहे श्रीवर्धन, और क्या चाहिए यार, ठीक है। देखो एक छोटा सा मंदिर भी दिख रहा है, कौन सा है, बिटकरनी देवी मंदिर, देखो भैया अलग अलग तरीके की देवियां, उसके वजह से अलग अलग नाम को समझ में नहीं आता। चलो फिर बढ़ो भी आगे में, और एक खच्चर आगे में, खच्चर है नहीं, खच्चर है, अपन ने खच्चर की सवारी की है एक्चुअल में, और वो जैसे मैंने खच्चर बोल दिया भाई परेशान हो गया, नहीं बोले जंगली घोड़े है, मतलब ठीक है भाई जंगली घोड़े है तो फिर जंगली घोड़े है। यहाँ पे आते हो तो
जंगल बचा है। नहीं नहीं उसका क्या बोलना था भाई, खच्चर मत बोलो ये जंगली घोड़े है। मैंने बोला ठीक है भाई जंगली घोड़े है, तू खच्चर नहीं बोलेंगे भाई, गलती होगी हमारे से। हाँ तो माफ कर दो भाई हमको बोला, तो बोला ये जंगली घोड़े है भाई, ये जंगली घोड़े है उसका बोलना, ये खच्चर नहीं बोलना इनको, जंगली घोड़े बोलना भाई। दन मेरे को भाई श्रीवर्धन आते हो जो खच्चर की सवारी करते हो ना आप, तो गलती से भी खच्चर मत बोलना है, आके जो टांगे वाले वो सरक जाते हैं चिड़ जाते हैं, तो बोलना भाई जंगली घोड़े पे, जंगली घोड़े पे सवारी कराओ तो बहुत खुश हो जाते हैं वो लोग, है कि नहीं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना भाई प्लीज, हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रिकॉशन को ठेस नहीं पहुंचनी, हाँ किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, तो ध्यान रखो उनकी रोजी रोटी है, तो प्लीज जंगली घोड़े ही बोलना, खच्चर गलती से भी मत बोलना। देखो फिर आगे का नजारा भाई साहब, है ना, क्लियरली बहुत ही जबरदस्त। आगे में भी एक मंदिर दिख रहा है, और मेरे पास में अभी देखो हर्षिका आके बैठ गई है, क्योंकि बहुत देर से पीछे मैं तंग कर रही थी अपने मम्मी को। हाँ हर्षिका कुछ बोलना चाहते हो? अरे बाप रे दूरबीन कहाँ से ला लिया, द जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो है ना। अच्छा हो ओके, देखो भाई आगे कहना जा रहे हैं, हर्षिका की तो मस्ती ऑल टाइम चलती रहेगी, मजेदार है ना। स्कूल जाओगे? देखो यार क्या रास्ता है एकदम जबरदस्त ना, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और रोडों का काम बहुत ही बेहतरीन हुआ है भाई, ये रोड से बहुत ही जबरदस्त, और ऐसे ऑटो भी बड़े तगड़े स्पीड में चला रहे हैं भाई ऑटो वाले भाई आगे के, ठीक है नहीं। और रोड पूरा जिग जैग है, और रोड ऑटो देखो कितना मस्त, एकदम मस्त सजा के रखा है भाई ने भी, मस्त लग रहा है। नजारे देखो भाई, ये रोड के नजारे देखो, सीमेंट रोड बना है यार, पहाड़ियों में भी सीमेंट रोड है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरे के पूरे ट्रक्स चल रहे हैं यहाँ पे, पेट्रोल का ट्रक दिख रहा है, बट पर ये साइड में देखो यार इतना प्यारा सा कस्बा है, एकदम मस्त ना गांव है पूरा का पूरा, नीचे के साइड में बसा हुआ, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा भारत महान बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है यार, तो है अपना भारत महान ही है और महान रहेगा, देखते चलो। और पीछे में इन्होंने लिखा है वेट फॉर साइड, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये जो लिखा है, बहुत सही तरीके से लिखा हुआ है और फैक्ट। चढ़ाई देखो भाई, अभी भाई जाड़ा देखो कितना मस्त लग रहा है, चढ़ाई देखो बहुत ही जबरदस्त लग रही है चढ़ाई, एकदम मस्त। हे भैया गौ माता, चढ़ाई की तरफ ध्यान दो, फुल ऑन मजे। भाई रुक जाते यार, पहले तो ऐसे रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे मेरे भाई आनंद वन में रुके हैं भाई, वेज नॉन वेज फैमिली रेस्टोरेंट देखो, ये वाले हाईवे से इधर से आए थे, तो गाइस अभी हम थोड़ा टी ब्रेक लेते हैं, थक गए साला, कमर की पूरी ऐसी तैसी हो गई बैठ बैठ के, तो लेते यार अभी ब्रेक लेते हैं, चाय वाय पीते और आगे में निकलते हैं, ठीक है नहीं। क्योंकि पूरे जन सबके घर वाले भी पूरे के पूरे थक गए हैं, कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत ब्रेक मंगता है क्योंकि पूरा घंटा जैसी लग रहा है, नॉन स्टॉप अपन गाड़ी कंटिन्यू चला रहे हैं, तो कोई मतलब भी नहीं है भाई, ठीक है। तो फिर डायरेक्टली मिलते हैं, चाय वाय पीते हैं और चाय वाय भी आपको दिखाते हैं, अंदर ढाबे पे रुके एकदम हाईवे में, तो फिर मिलते हैं और दिखाते अच्छे नज़ारे। चलो हाँ भाई चाय आ गई हमारी, चाय आ गई है। हाँ क्या, हाँ अच्छा बोबो भाई चलो चाय पीते, चाय की चुस्की लेते, बहुत ज़्यादा जरूरी एनर्जी ड्रिंक है हमारी, और तो चाय वाय पीते फिर आगे में डायरेक्टली कार में वो हाईवे में मिलते हैं, ठीक है ठीक है भाई, चाय भी ठीक है, मिलते डायरेक्टली कार में बैठने के बाद में भाई, चाय की चुस्की ले लो, थोड़ा एनर्जी ड्रिंक है मेरी, तो फिर थोड़ी एनर्जी आएंगे, मिलते फिर आगे। तो गाइस चाय वाय पीना हमारा हो गया यार, और अभी हम बढ़ते आगे में जो बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी आगे में बढ़ना, क्योंकि घंटा लगा है, चाय वाय पी के एनर्जी आ गई है बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, तो फिर चलो भाई निकल गए, चाय वाय पी के निकल गए, बढ़िया लग रहा है अभी नज़ारा देखो बस आगे का थोड़ा सा। तो हमारा चाय वाय पी के हो गया है सब, थोड़ी एनर्जी आ गई, मुँह पे पानी मार लिया, थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो फिर आगे में बढ़ रहे हैं और नज़ारे दिखाते हैं आपको अच्छे अच्छे, है कि नहीं, जो भी दिखा पाएंगे अच्छे से दिखा पाएंगे जो भी नज़ारे, क्योंकि अभी आफ्टर इवनिंग का 5:12 हो गया, फिर देखते अभी निकल रहे हैं ज़्यादा, अभी डेस्टिनेशन है 150 किलोमीटर तो ही मोटा मोटा, तो देखते चलो। अरे हाईवे पे लग गए जहाँ पे ट्रैफिक जाम था लास्ट टाइम भी, लास्ट टाइम वाले ट्रैफिक जाम पे फिर से फंस गए थोड़ा सा,
देखते अभी कैसा होता है। तो भाई काजू बेचने के लिए बैठे हुए, काजू ये देखो सब काजू वाजू बेच रहे हैं। काजू है, जामुन है, दुनिया भरे की चीज है। देखो भाई ते कमचे वरती भाजा लगते मम्मी, मी सांगून देईन का बरं। फन्नस लेते हैं, इसको कटहल बोलते। भाई पका हुआ है क्या? पका हुआ है क्या? कच्चा है क्या? कच्चा है। रोड से आने के लिए डरते थे लोग क्या? ये रोड से आने के लिए लोग बहुत ज्यादा डरते थे बोलते, पर नजारे भी तो देखो ना कितने बेहतरीन लग रहे हैं। साइड से भी बहुत ही जबरदस्त नजारी, और ऊपर की पहाड़ी तो देखो कितनी खतरनाक दिख रही है। बहुत ही खतरनाक पहाड़ी और जिगजैग वाले पूरे रोड, आड़े टेढ़े वाले जिगजैग रोड है पूरे। देखो यार पहाड़ी तो देखो यार, बड़ा ही अजीब और क्या जिगजैग और क्या शानदार रोड और शानदार पहाड़ी यार। सीरियसली बहुत ही मजेदार, देखते चलो बस नजारे। क्यों डरते थे? पर सुनसान है। अच्छा सुनसान रहने की वजह से डरते थे लोग। हॉरर था क्या? हाँ। क्या था? भूत भूत चुड़ैल? अच्छा भूत चुड़ैल वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। हाँ। है कि नहीं? ये वाले रोड में, ये वाले रोड में बोल रही है मेरी दीदी की यहाँ से यानी हॉरर भूत चुड़ैल कोई भी रहता था बोलते, और इसके वजह से है। अच्छा है यहाँ पे भूत चुड़ैल वगैरह यहाँ पे है। भाई कौन कौन बिलीव करता है ये चीजों पे मुझे प्लीज कमेंट्स करके बताओ, मैं तो नहीं करता हूँ। पर ऐसी लोग भी बोलते हैं और मेरी दीदी भी बोलती है, सो प्लीज बताओ यार कमेंट्स करके भूत प्रेत पे आप लोग विश्वास करते हो क्या? है कि नहीं? तो फिर नजारे देखो और ये सुनसान रोड के भूतिया रोड के मजे लो यार। चलो देखो यार भूतिया रोड। YouTube में भी डाले बोलते हैं ये वाला, तो है कि नहीं? ये वाले रोड का नजारे यानी कि उसके बारे में यानी कि लोगों ने भी YouTube में कहा है, और YouTube में सबसे ज्यादा वीडियोस भी आए ये वाले रोड के, जो भूतिया रोड है ये वाला। सो देखो यार अपने को आपको भूतिया रोड दिखाते हैं, हम भी दिखा रहे हैं, इसके पहले भी लोगों ने दिखा चुके हैं ये वाला रोड भूतिया रोड, है कि नहीं? तो देख लो हम लोग दिन के नजारे दिखा रहे भाई, रात में आने के लिए डरते बोलते लोग यहाँ से, पर हम लोग तो नहीं डरेंगे क्योंकि अपन ये चीजें मानते नहीं है। लेकिन भूत आ जाए या जीन आ जाए या कोई भी आ जाए सभी चलते हैं, देख लेते हैं अपन। हाँ ना, फोटो निकाल लेंगे, सेल्फी निकाल लेंगे, अपने को कोई वरना ही नहीं है इस चीज का। ये देखो भैया लोबर्ट्स दोनों बढ़िया रुके हुए ऐश मार रहे हैं, और ये देखो भाई पहाड़ी देखो, नजारे नजारे, क्या बात है यार। इसको दिखाना भाई मजे एकदम जबरदस्त, क्या जबरदस्त लग रहा है नजारे देखो। बस पहाड़ी ये देखने लायक है यार, ये वाले रोड के ऊपर तामिया घाट की, तामिनी घाट सॉरी, बहुत ही जबरदस्त क्या लग रहा है एकदम राप्चिक नजारा। और सूरज देवता दिख रहे होंगे आपको, और डूबते हुए सूरज देवता डूबते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है नहीं? जब अपने तापमान यानी क्या बोलेगी उसको बोलो यार, हाँ जब सूरज देवता उगते हैं तो क्या होते हो? सूर्योदय नहीं, जब खौलते हैं दोपहर में वो डेंजरस होते हैं। देखो भाई साहब टेढ़े आड़े मोड़े रोड, खतरनाक पहाड़ियों से निकलते हुए, और ये क्या है भाई टो करने वाली गाड़ी, और ये पहाड़ी देखो कितना शानदार क्या नजारा है यार। ये पहाड़ियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं भाई, हम भी दिखा रहे हैं आपको हमारे जरिए से हमारे चैनल के थ्रू, तो मजे करो यार इंजॉय करो ये वाले वीडियो को देख के। ये देखो आगे में लिखा है सावधान सावधान बुढ़े अपघात तीव्र वर्णन, मराठी में लिखा था यार जो भी है। देखो 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 बहुत ही शानदार तरीके से, ये भी पहाड़ी तो देखो बड़ी शानदार लग रही है भाई, ये पहाड़ी देखो बहुत ही शानदार, गोल गोल रानी वाला काम है यहाँ पे। और टिप्पर नहीं ये क्या है, खराब होके लगते गाड़ी जैसे सीमेंट वाली जो मसाला बनाते पड़ा वाला, दोनों के दोनों गाड़ियाँ खराब हो गई है। ओहो, और ये यहाँ पे क्रिकेट खेलती हुए नहीं बॉल ही खेल रहे भाई, मजेदार काम सब कुछ बढ़िया हो गया। ट्रक ड्राइवर अपने कंडक्टर हो गए, और आगे का भी नज़ारा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। देखो पहाड़ियों का जो नज़ारे है ना भाई एकदम ही ज्यादा बेहतरीन, आप देखो सब बढ़िया। क्या पहाड़ी है यार, ऊंची ऊंची पहाड़ी देखो, सीरियसली बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ी है, वाह
बहुत ही मस्त, एकदम ही जबरदस्त। और इधर का नजारा देखो भाई, बहुत ही मस्त लग रहा है। इधर में पूरे गांव दिख रहे नीचे के, और ये भी नजारा एकदम बेहतरीन। और सूरज देवता डूबते हुए, और डायरेक्ट उगेंगे कल, कल मिलेंगे सूरज देवता से। ये भी क्या जबरदस्त लग रहा है ना, पूरे पहाड़ों के बीच में से जो काट के जो रोड बनाया है ना भाई, वहां से गाड़ी चलाने में सीरियसली बहुत मजा आता है। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही मजेदार, एकदम जबरदस्त लगता है। बहुत ही देखो खिल रहे हैं सारे के सारे, अपने को भी नहीं मालूम, ठीक है ना। बहुत ही जबरदस्त हो रहा है। अरे मंकियों को मार रहे भाई, मंकी है, मंकियों को मार रहे हो पत्थर से। ऐसा मत करें, ऐसा मत करें भाई, बिचारे हो मुखे जानवर। वाइल्ड लाइफ वाले सारे के सारे हो जानवर। सो बढ़ रहे, अभी घाटी चढ़ रहे हैं जो अपन चाहते हैं, घाटी चढ़ रहे हैं भाई, जबरदस्त। बढ़िया सा लग रहा है ये। इसको क्या हो गया भाई? अच्छा ये जा रहे हैं अभी कुछ आम तोड़ने जा रहे हैं, नहीं तो दूसरा कुछ करने के लिए। ये क्या है अभी, ये क्या बेचने के लिए बैठी है? ए बेटा बिल्लू, अरे बेटा ये कहा बीच में आ रहा, अरे वाह। छोटे छोटे बच्चियां लीफ मांगती हुए, पर इनके पास में नहीं बेच रहे। क्या बेच रहे हो? करवंदी बेच रहे शायद से, करवंद बेच रहे। करवंद ले लिए बेटा हमने, हमने ले ली है करवंद। मस्त बढ़िया बैठे है यार। और आगे की पहाड़ी देखो क्या शानदार लग रही है, ये वाली वाली, ये यही पहाड़ी देखो कितना शानदार दिख रही है, बहुत ही ज्यादा पहाड़ी दिख रही है। और बढ़ रहे आगे। हाँ अर्ची का बोलो बोलो, बहुत ही मस्त। हो बेटा मनाने हमारी अर्ची का, कैसे अर्ची का क्या कर रही है देखो कार से। अर्ची का क्या कर रहे हो आप, अभी चुप रहे क्यों क्या मेरे से? इधर से, इधर से आना चाहते हो आप? अच्छा देखो यार आगे में नजारे, नजारे देखो भाई, नजारे देखो। ये डैम में मुंगा इधर में क्या जी, जो पानी का यहाँ टाटा का है ना, टाटा का ही क्या है, पानी यहाँ ये सप्लाई करता है। अच्छा आगे की पहाड़ी देखो भाई, जबरदस्त पूरी की पूरी पहाड़ी, और बड़ी ट्रैफिक है। रुक गए पब्लिक, कड़क रुकना ही है, तो रुक जाते लगा तो। हाँ बहुत ही जबरदस्त, ठीक है नहीं। तो गाइस अभी हम रुक गए यार, एक ब्रेक लिए, शॉर्ट ब्रेक, चाय ब्रेक, चाय वाय पीते, ठीक है नहीं, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नज़ारे देखो यार पहाड़ी वाड़ी के, क्योंकि यहाँ पे रुकना बहुत ज़्यादा जरूरी था, बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, है कि नहीं। तो फिर एक छोटा सा ब्रेक बनता है टी ब्रेक के साथ में, और टी ब्रेक के साथ में एक शानदार पहाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी, वो बता दूंगा। देखो बहुत ही ज़्यादा शानदार, थोड़ा कम जूम, देखो ये जो पहाड़ी के बराबर जस्टिफाई कर नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक है नहीं, पर बहुत ही ज़्यादा शानदार पहाड़ी है। देखो यार आप, बहुत ही सुंदर, दूर है और काफ़ी लोग यहाँ पे रुके हैं, फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। देखो यार ये भी देखो, इधर की भी पहाड़ी देखो, बहुत ही ज़्यादा शानदार पहाड़ी है। इधर में भी, उधर में तो खाई है, अपन खाई की तरफ में चलते हैं, चलो देखते, चलो देखते थोड़ा नीचे का नज़ारा। जीजू चल रहे बराबर, भागू बराबर लगेगा। इला घेऊन नको येऊ तिकडे, अरे बाप रे थक गए यार भगू आज। होय होय क्या ही नजारा भाई, खाई देखो, ऊपर में पहाड़ी देखो गाइस, एक छोटा सा पत्थर फेंक के दिखा दो कितना नीचे। रुकना एक मिनट, इनको थोड़ा सा पास से पूरी पब्लिक को भारत के ये देखो यार, कि बहुत खाई है एक्चुअली में, बहुत ही ज्यादा। देखो बहुत ही ज्यादा, कैसा लग रहा है तुझे यहाँ पे? गाइस अभी ये देखो कितना नीचे है, ये देखो पत्थर भी फेंका है काफी नीचे है, ठीक है नहीं, और बहुत ज्यादा नीचे में है भाई। हम लोगों ने देखे ये भी बहुत, यानी कि आगे में जाएंगे थोड़ा, फोटोग्राफी तो बहुत ज्यादा हो गई है और वीडियो भी निकाल लिए यार, थक भी गए काफी, क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यू घूम रहे हैं और ट्रैवलिंग कर रहे हैं,
करेंगे क्या, और निकलते फिर आगे में। चलो घर वाली भी है ऊपर में रुकी हुई, चाय वाय की चुस्की लेना है तो चुस्की लेंगे, अदरवाइज आगे में बढ़ेंगे, क्योंकि एक शॉर्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि कंटिन्यूस गाड़ी भी, गाड़ी को भी रेस लगता है, हर चीज़ को रेस लगता है, इसके वजह से फिर इंजन भी गर्म हो गया है। हाँ इंजन भी गर्म होता है ना। चलो फिर आगे में चलते। कैसा लग रहा है जीजू अभी रुक के? तो एक नंबर है, बारिश में इससे भी अच्छा लगता है। बारिश में अच्छा लगता है, फॉग रहता है पूरा, हाँ ना, फॉग रहता है, फॉग रहता है, फिर बढ़ते फिर आगे में। ये हमारी कार है यहाँ पे, और आगे पे आगे में चाहिए देखो पहाड़ी, क्या क्या मिलता है, क्या क्या मैडम खाया, खाया वगैरह खाया, वड़ा पाव मिडल का, वड़ा पाव मिलेगा बोलते, वड़ा पाव, कांदा भजी, कांदा भजी भी मिलेगा, कांदा भजी लेते साहब, नमस्कार साहब, नमस्कार, कांदा भजी अजून एक वड़ा पाव, किती होणार होता, चला दोन द्या फिर, चला ठीक आहे दोन द्या, नाही एक प्लेट कांदा भजी द्या। तो भाई साहब अभी ऑर्डर किए वड़ा पाव और कांदी भजी, तो खाते और आपको भी दिखाते कैसा है यहाँ पे, पूरे पहाड़ियों के बीच में रुक के भाई एक ही स्टॉल मिला है, एक ही टपरी मिली है बढ़िया से, ये नज़ारे ये टपरी के पास में बढ़िया लग रहा है एकदम मस्त, और ये अपनी टपरी है देखो, एकदम ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल टपरी है, ये देखो क्या लिखा है, चाह वड़ा पाव कांदा भजी मैगी मिश्रड़ सब कुछ लिखे है, और ऐसे गाड़ी वाड़ी, यहाँ के भी नज़ारे देखो बहुत ही मस्त नज़ारे है सभी तरफ में, सभी लोग रुके हुए यहाँ पे, कारवार भी देखो काफ़ी पब्लिक रुकी हुई है कि नहीं, तो काफ़ी पब्लिक रुकी हुई है यहाँ पे, हम भी खाते यार और फिर आपको मिलते बताता हूँ फिर मैं आपको क्या खा। ये हमारा कांदा भजी आ गया देखो, कांदा भजी वगैरह खाते और दिखाते आपको नज़ारे, देख मैगी ठीक है, देखो भैया वड़ा पाव आ गया, वड़ा पाव खाते, तो गाइस वड़ा पाव खाते क्योंकि मेरा फेवरेट है, और खाते और इन्जॉय करते भाई, फिर मिलते हैं डायरेक्टली कार में बैठने के बाद में, तो जो है वड़ा पाव खाने में मज़ा आता भाई है टपरी के, फिर आगे में मिलते हैं कार में जाने के बाद, मैं हाईवे दिखाते अच्छे अच्छे, चलो फिर मिलते हैं। मत मत बेटा फेंकना मत, फेंकना मत गलती से भी, कचरा इसी नहीं फेंकने का, डस्टबिन में ही फेंकने का कचरा, बस मैं कितने बार समझो तुम लोगों को, कितने बार समझो मैं। तो हमारा हो गया यार खाना वाना हो गया, खाना नहीं बोलते उसको, वड़ा पाव वगैरह स्नैक्स खा लिए, वड़ा पाव खाए, मैगी खाए और कांदा भजा, वो हमारे इधर का फेमस ही है महाराष्ट्र का, तो वो खाए, और अभी बस निकल रहे अपने घर के तरफ में पुणे के लिए, 80 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, 2 से 2.5 घंटा दिखा रहा है क्योंकि पहाड़ी है और जिगजैग वाले रोड है, तो इसलिए 2.5 आवर्स दिखा रहा है पुणे, तो फिर निकलते फिर आगे में दिखाते आपको अच्छे अच्छे नज़ारे भाई, मज़े करेंगे ऐश मारेंगे है कि नहीं। चलो देखो आंदो नहीं तो इसी पीछे में दिखे, चलो निकालो फट से भाई, निकल गया अभी, डेंजरस था वो पहाड़िया, देखो निकलते ही पहाड़िया, मजी भी अच्छा था, वड़ा पाव भी बहुत अच्छा था, और जो मैगी बनाया था वो भी अच्छा था, हर कुछ अच्छा बहुत बढ़िया था, और पहाड़िया जो दिख रही है ना अपने को वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त मजा ही आ गया भाई, स्वाद आ गया हर चीज में, हर चीज में स्वाद आ गया है, और अभी कैसा अंधेरा हो रहा है, तो अभी अंधेरा हो रहा है भाई, अंधेरे में उतना कुछ खास दिखा नहीं पाएंगे डायरेक्टली, फिर शायद रात का जितने भी थोड़ा थोड़ा व्यू रहेगा वही दिखा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू नहीं बता पाएंगे, तो फिर देखते कैसा क्या होता है, तो ठीक है ना, जो भी है दिखा पाएंगे तो दिखा पाएंगे आपको, नहीं तो फिर भगवान भरोसे बैठो, बहुत व्यू हो गए भाई, सबसे ज़्यादा माहौल तो ये मचा रहा है आज, सबसे ज्यादा माहौल देखो भाई, पानी के बॉटल और पीछे में क्या जबरदस्त लटक के बैठा हुआ है, एकदम जबरदस्त एकदम माहौल पिटी हुए भाई साहब, इतना भी ज्यादा भाई साहब लो, रात में भी लग गया पुणे में ट्रैफिक, ट्रैफिक हो गया जाम, अभी क्या करेंगे यार, जहाँ देखो वहाँ ट्रैफिक जाम मिलेगा अभी पुणे में, क्योंकि रात के वक्त में पुणे में यही प्रॉब्लम है, धीरे 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 चल रहे हैं, तो पहुंच ही गए फाइनली, अभी 20 किलोमीटर दिखा रहा है, 20 भी नहीं 18 किलोमीटर दिखा रहा है पुणे, है ना घर,
तो फिर मिलते हैं यार, अभी ट्रैफिक को काटते हुए आगे भी निकलेंगे और मजे करेंगे भाई। चलो बता दिया नजारे रात की भी थोड़े बहुत। तो गाइस अभी हम डिनर करने के लिए आए यार, डिनर विनर करते हैं शिल्पा में। हम पुणे में पहुंच गए क्योंकि बाहर ही करेंगे। क्या बोलना चाह रहे हो आप बताओ? कुछ नहीं, हम बस आए होटल पे। हाँ, शिल्पा में। तो ठीक है ना भाई, अभी हम लोग आए डिनर विनर करते और आगे मिलते हैं यार, क्योंकि डिनर में क्या खा रहे सब कुछ दिखाते, क्योंकि बहुत स्ट्रग है। 250 किलोमीटर के ऊपर में गाड़ी चला रही है यार। तो मिलते डायरेक्टली लंच के, इसमें लंच बना के डिनर करेंगे, बस ख़त्म करो मांजरा और सभी जन फैमिली इसमें बैठेंगे और निकलते फिर आगे में भाई, है कि नहीं? निकलते। अभी हम होटल में बैठे हैं, खाना वाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी। अभी रात के 9:09 हो गया, रात के 9 बजे यानी कि 9:09 हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, भूख लगी है। खाना वाना खाएंगे, ऐश करेंगे यार, क्योंकि नींद भी बहुत हो गई है, क्योंकि 250-300 किलोमीटर गाड़ी कंटिन्यू चला लिया, और पहाड़ियों में गाड़ी चलाने का बहुत ज़्यादा अलग ही एक्सपीरियंस है। तो गाड़ियों में क्या, घाटियों में कैसा ना, बहुत धीरे 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 गाड़ी चलाना पड़ता है, तो इसलिए हम अभी बहुत थक गए, जितने भी थक गए, क्योंकि इन्होंने ड्राइविंग किया है बहुत ज़्यादा। ये जो ड्राइविंग का कैसा एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस, कैसा क्या लगा आपको? बढ़िया, रोड तो अच्छे हैं, रोड अच्छे थे, बट पर कैसा है ना, पहाड़ियों से घाटियों से गाड़ी चला के मज़ा आया कि अच्छा लगा ना? इनको भी मज़ा आया, क्योंकि यार खाना वाना खाते और डायरेक्टली मिलेंगे फिर घर पे बाहर निकलने के बाद में। चलो फिर बताते आपको। गाइस हमारी मटन थाली आ गई यार, देखो इसका जो टेक्सचर है ना भाई मटन का, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, और उसके साथ में ग्रेवी दी है। हे ये क्या, आड़नी? आड़नी भाई, इसको आड़नी बोलते तो मुझे नहीं पता, ठीक है नहीं? और ये अपना सर्व कर रहे चपाती, चपाती घेऊ की है ना, चपाती सर्व कर रहे हैं अभी। तो गाइस अभी डिनर करते हैं, मटन थाली खाते हैं, क्योंकि बहुत टायर्ड है हम लोग। सुबह से मॉर्निंग से हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बीच में गए दुनिया भर के एक्सप्लोर किए, सब कुछ आप लोग तो देख ही रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा टायर्ड है। अभी खाना वाना खाते हो डायरेक्टली बाहर ही मिलेंगे यार, बस बहुत थक गए यार, बस जाके फिर घर पे जाके डायरेक्टली सोने गई है, और मिलते हैं फिर खाना खाने के बाद में यार। इसके बाद में रोटी खाएंगे, राइस खाना तो राइस खाएंगे, अदरवाइज अपने काम से काम रखेंगे यार, बहुत टायर्ड है, क्या बताओ, इतनी हालत खराब हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली करने का क्या है, ठीक है? फिर देखो ये भी है, ये देखो भाई हमारी रोटी भी आ गई, और सैलेड में तो है जी अपना प्याज और नींबू तो है, ठीक है ना? फिर मिलते यार खाना खाने के बाद में, बस चलो। तो गाइस मेरा हो गया डिनर विनर हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर अभी डायरेक्टली कार में मिलते हैं और चलते हैं फिर आगे में। फिर आ जाए कार में बैठने के बाद में, तो बहुत एक तरह से मेरी तबीयत भी टिकने लग रही, नॉनवेज थाली खा के भी कुछ मतलब नहीं, आधी वेस्ट हो गई यार, मुझे बहुत बेकार लग रहा है, क्योंकि मैं खाना कभी वेस्ट नहीं होने देता हूँ, पर वेस्ट हो गया यार, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे पता है यार भूख क्या रहती है, कैसे कैसे मैंने लोगों के साथ रहा हूँ, यानी जिनको खाना नहीं मिलता, इसलिए मैं मेरे तरफ से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आधा ही मटन थाली खाया क्योंकि जमा ही नहीं यार खाना, तो फिर जो भी है एक्सट्रीमली सॉरी। और डायरेक्टली कार में मिलते हैं क्योंकि बहुत टायर्ड हो गया, तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो निकल गए यार होटल से। ओहो होटल से निकल गए, अभी डायरेक्टली घर पे जाके डायरेक्टली मिलते यार, क्योंकि क्या करें अभी, है कि नहीं? बहुत थक गए, बहुत थक गए, डायरेक्टली घर पे जाके मिलते यार बस। भाई साहब हम पहुंच गए यार अभी घर पे, सिक्योरिटी गार्ड निकाल रहा अभी गेट, ओपन किया गेट, आइए भाई साहब